जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं, वहाँ पर कन्या पूजन उन्होंने सबसे पहले किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या दौरे पर हैं और आज भी कई धार्मिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। इस वक्त उन्होंने कन्या पूजन किया, तमाम कन्याओं को वो गिफ्ट भी दे रहे हैं। वही वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी पसंद का ये वाला दो ना, जिसको जाना चाहिए। देखो ये भी लो इनको, ये कौन था, ये वाह, ये भी लो। आई तुम्हें कौन सा चाहिए, ये वाला इनको कौन सा, ये कौन सा, ये ठीक है ना, ये भी लो। शाबाश, खाओ पहले, जल्दी खा लो। इनको क्या चाहिए, ये कौन सा चाहिए, देखो ये भी लो। ये पड़ेगी, ये भी सीखी लगी, हाँ पढ़ने के लिए रखो। क्या चाहिए तुम्हें और कुछ, इसको कोड़ा दे दो, ये रो रहा था बच्चा, आगे वाले दो। आंगनबाड़ी केंद्र में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको आपके सामने, हॉट फूड योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने किया और उनको तमाम चीज़ें भी मुहैया करवा रहे हैं। बच्चों को तमाम खिलौने और उनकी पसंद की जो चीज़ें हैं वो दे रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम हो रहा है। सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर मौजूद हैं। हॉट फूड योजना देखिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तमाम आला अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ में, और आज अयोध्या में रामनगरी में अपना काफ़ी समय बिताएंगे। उसके ठीक बाद गोरखपुर में भी विकास योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुपेश इस खबर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रुपेश, ये तस्वीरें आ रही है, हॉट फूड योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जिससे बात की जाए आंगनबाड़ी केंद्र पर जो प्रगति है, साल के बच्चों को जो है गर्म पका भोजन जो है उनके उपलब्ध कराया गया। हॉट फूड जो है योजना का शुभारंभ जो है अभी जो है योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इस पर बात की जाए आंगनबाड़ी के कम से कम 15 बच्चे हैं जिनको जो है भोजन भी अपने हाथ से परोस रहे हैं। और इस पर कार्यक्रम बात की जाए तो इसमें मौजूद है सीएम और जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके बाद जो है इनका कार्यक्रम जो लगा हुआ जो है देखा जा रहा है कि आंगनबाड़ी की जो यहाँ पर जो केंद्र बन रहा है 3401 केंद्र है जो पूरे उसमें मीटिंग बन रहे हैं, तो उसको उसका यहाँ से बताया जो है केंद्र के निर्माण का जो है यहाँ से यहाँ शुभारंभ भी करेंगे, बताया शिलान्यास भी करेंगे। और इस तरह बात की जाए तो आज योगी आदित्यनाथ का जो अध्यक्ष दौरा बहुत बहुत अहम माना जा रहा है। और जिस तरह से बात की जाए योगी आदित्यनाथ जो अध्यक्ष हो चुके हैं बहुत दौरा भी अध्यक्ष माना जा रहा है और इस तरह यहाँ पहुंचे हुए हैं। रुपेश, ये आंगनबाड़ी केंद्र में हैं, अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं छोटे छोटे बच्चों से क्लासरूम में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, शिक्षा के बारे में भी पूछ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जिसका बात की जाए तो विद्यालय जो बना है वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर बकायदा जो बच्चे वहाँ पर पहुंचे हैं वहाँ बकायदा उनसे आटा ले रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं और बकायदा केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। देखा जा रहा है ये है यहाँ पर आए हुए हैं, तो उसके बाद जो है जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके साथ भोजन भी करने की बात सोची जा रही है। और यहाँ पर जितना बात की जाए तो ये जो आज ये जो हाल की योजना है इसका शुभारंभ करेंगे। और रुपेश, ये कई बार देखा गया है कि देखिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं हम तमाम जगहों पर और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर तमाम सुधार किए जा रहे हैं प्रदेश के स्कूलों में। और देखिए मुख्यमंत्री अगर पहुंचते हैं तो ऐसे में क्लासरूम का जो माहौल होता है शिक्षकों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत मनोबल बढ़ाने वाली ये बात होती है। रुपेश, जो लोग वहां पर मौजूद हैं इस समय
धन्यवाद आपका रुपेश, जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कॉम्पोजिट विद्यालय में पहुंचे हैं और अयोध्या से ये तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम शिक्षक भी वहां पर मौजूद हैं, बच्चों से शिक्षा का उन्होंने तमाम चीजें पूछी, बच्चों ने जवाब भी देने की कोशिश वहां पर की और तमाम शिक्षक भी मौजूद है, प्रशासनिक जो अमला है मौजूद है। और अयोध्या की ये तस्वीरें हैं कॉम्पोजिट विद्यालय पुलिस लाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इससे पहले हॉट प्रूफ योजना का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और अब वो यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज लगभग 3 से 4 घंटे का जो वक्त है अयोध्या नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। आज रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर मौजूद हैं, आपने तमाम तस्वीरें देखी। और नवंबर महीने की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रामनगरी पहुंच चुके हैं। इससे पहले 9 नवंबर को मंत्रियों के साथ अयोध्या में ही मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की थी। इसके बाद 11 नवंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगभग 3 घंटे का वक्त अयोध्या में आज बिताएंगे मुख्यमंत्री। नवंबर महीने में अब तक ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीसरा दौरा है। आप देख सकते हैं दो तस्वीरें। अब आगे के लिए, आगे कार्यक्रमों के लिए वो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं 11 नवंबर को। इससे पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में बंद कर दी गई गर्म भोजन योजना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाएगा। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के द्वारा गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया गया, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार ने 2016 में इसे बंद कर दिया और अब विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर योजना को शुरू कराने के आदेश दे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हॉट कुक्ड योजना का शुभारंभ किया जिसमें उन्होंने तमाम बच्चों को तमाम गिफ्ट भी दिए। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें गर्म भोजन देने की व्यवस्था है। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के द्वारा गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया गया। और बता दें आपको कि सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में योजना को शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। 10:25 पर कॉम्पोजिट विद्यालय पुलिस लाइन में हॉक योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया और आगे अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11:20 पर कंपोजिट विद्यालय से पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां पर 11:40 पर राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे और 11:45 पर हनुमान गढ़ी का दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लगभग 12 बजे का वक्त दिया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार पहुँचेंगे। इसके बाद निर्माणाधीन राम मंदिर का अवलोकन करेंगे। 11:20 पर बड़ा भक्त में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेंगे। 1 बजे बड़ा भक्तपाल से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए तमाम प्रशासनिक तैयारियां इसके मद्देनजर
लगभग 3 घंटे का वक्त आज अयोध्या नगरी में बिताएंगे। सबसे पहले वो पुलिस लाइन पहुंचे और कंपोजिट विद्यालय पुलिस लाइन में हॉट कुक योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। अब से कुछ ही देर बाद राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे, इसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तकरीबन 12 बजे रामलला दरबार पहुंचेंगे, इसके बाद निर्माणाधीन राम मंदिर का भी अवलोकन किया जाएगा, क्योंकि तेज़ी से निर्माण कार्य राम मंदिर का चल रहा है और इस कड़ी में अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचते रहते हैं। अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित वो करते रहते हैं कि किसी भी तरह की जो खामियां हैं इससे संबंधित ना आने पाए, और आज इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रों में तो पोषण भी पढ़ाई भी किट का वितरण किया जाएगा, साथ ही साथ पोषण थाली का भी वितरण किया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया जाएगा। और रिजर्व पुलिस लाइन अयोध्या में पुलिस कर्मियों के आवासीय सुविधा हेतु ट्रांजिट हॉस्टल भवन का भी लोकार्पण आज इस मंच के माध्यम से किया जाएगा।